हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। हम लोग आए हैं यहाँ पे कपूरथला के पास, जो साइंस सिटी। आज आपको साइंस सिटी दिखाएंगे। सही नहीं है, ठीक है, ओके, मिलते हैं अंदर। अभी हम पार्किंग स्लिप ले रहे हैं यहाँ से। आप यहाँ से अंदर एंट्री करके पार्किंग स्लिप ले सकते हैं, एंट्री डलवा के यहाँ पे। यहाँ पे ये चार्जेस हैं पार्किंग के, देख सकते हैं आप। बस के 100, कार 30, ऐसे ऐसे, बाइक के 10 रुपीस यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये अंदर जो फैसिलिटीज हैं, PGSC पुष्पा गुजराल साइंस सिटी। चलिए बाइक पार्क कर दी हमने। रवि भैया रख दीजिए हेल्प यहाँ पे। खाना भी है हमारे पास। हाँ, हमने फ्रंट से बनवाए थे, हम बाहर से खाते नहीं इतना। गिव अवे कर दीजिए परोंठे को, गिव अवे कर दो। हेलमेट जमा तो नहीं होता उसकी सीट से? हेलमेट की अगर से 10 रुपये लगेंगे। साइंस सिटी के अंदर कौन सी एंट्री है साइंस सिटी की? ये कितना बड़ा ग्लोब बना हुआ है, ये थिएटर आई थिंक सो। इधर से एंट्री है आई थिंक, टिकट से इधर से मिलेगी। हाँ, ये खाना भी नहीं खा के आए। खाना उसके बाद करेंगे अपना काम। कोई लोग दिखाने के लिए खाना भी नहीं खा के आए, वहीं पे खा लूंगा। ये देखो भाई, मिस्टर बीन की कैंप कैप। पेड़ कितने बढ़िया काटे हुए हैं, ये टाइमिंग्स है 9 बजे से लेके 6 बजे तक है, एंड लास्ट टिकट 5 बजे तक सोल्ड होती है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब 24 घंटे बजता हमको भाई, ले देख लें। चलो बाय करते हैं, टिकट दिखाते हैं आपको। ने टिकट्स बाय कर लिए, 3 टिकट दिए हैं इन्होंने हमको। जैसे ये एंट्री टिकट है, मतलब 3 लेनी पड़ती है। जैसे 125 की एंट्री टिकट है एक जने की, एंड डायनासोर पार्क की है 35-35 की, 2 जने है ना, एंड 20-20 का फूड कूपन है, मतलब एक जने की हो जाती है 180 टिकट हो जाती है, 360 दो को लगा हमारा। ये 3 तो आपको लेनी पड़ेगी ना, मतलब कंपल्सरी है। चलते हैं अंदर, इधर से टिकट बाय की है, एंड साइंस सिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या मिलता है अंदर नॉलेज। बोल के अंदर एंट्री। केडी एंट्री बढ़िया ही होगी। यहाँ से एंट्री हो गई, एंड यहाँ पे सारे साइंस प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। शुरू कर रहा है एंट्री की साइंस सिटी में। ये सारा हॉल है जहाँ पे प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं। ये राइट साइड पे ही एंट्री करते सारे ही साइंस सिटी का मैप बना हुआ है, एक वर्चुअल मैप बना हुआ है। जैसे एंट्री कहाँ से है, इधर से एंट्री हुई पहले हमारी, उधर से, एंड इधर आते हैं। यहाँ से टिकट्स ली थी हमने, यहाँ से जाना। ये पार्किंग है, आगे चलते हैं, आप देख सकते हैं सारा।
सही चीज़ें बनाई हुई, बहुत बढ़िया बनाया हुआ। ये एक हमने देखा है, मतलब एयर से ये स्लाइटली लेफ्ट की तरफ चले जाता है, मतलब ये दबाया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। एंड राइट वाला दबा के लेफ्ट की तरफ जाता है, ये प्लेन का कुछ दिखाया हुआ है। पहला जहाज हम लोगों ने इंडिया ने बनाया था, यहीं पर रखा हुआ है। लड़ाकू जहाज, लड़ाकू जहाज नहीं है ये। आगे चंद्रयान 1 का मॉडल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। ये रियल था, चलो घूम के आते हैं इससे बैठ के। लिखा भी है जगी दिखाया हुआ है, मतलब की चीजा वहाँ यहाँ पे लिखा हुआ जैसे एक्सप्लोसिव वॉर हेड कहाँ पे है, ये ऊपर है हेड जगह ना वो दबाते हैं बटन। एंड H2O टैंक ये इधर है, जैसे टेक्नोलॉजी मेन फ्यूल वॉल्व ये नीचे है, बढ़िया मतलब लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं इसमें। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेपर्स गोस्ट का मॉडल लगा हुआ है, जैसे ये ऐसे है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे लाइट बंद हो जाती है ये ना। ये देखिए आप कैसे, आप देखिए पहले ऐसे, जैसे ये ना यहाँ पे ऐसे मिरर लगा हुआ है। एंड ये जो फोटो है, ये जो बनी हुई है इमेज, ये इस मिरर के पीछे बनी हुई है। जब हम लाइट जगाते हैं ना तो ऊपर वाली लाइट जगती है, जो उस मिरर की अगली लाइट है ना उसके ऊपर से लाइट जगती है, एंड वो इमेज दिखती है। जब ये बटन दबाते हैं हम तो ये बंद होकर इस मिरर की तरफ रिफ्लेक्शन आती है, लेफ्ट में लगा हुआ है ये वाला, लेफ्ट वाली लाइट जगती है, मिरर की तरफ रिफ्लेक्शन आती है इसकी, इसलिए चेंज हो जाता है। ये हाथ करते हैं तभी नीचे चल जाता है, मतलब सेंसर्स लगे हुए हैं एंड उसको पता लग जाता है, हमने हैंड अंदर किया उसको पकड़ने के लिए, बढ़िया चीज़ है वैसे। स्पूतनिक ये बना हुआ है, आप यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं यहाँ पे आप, रवि द एस्ट्रोनॉट। ये तो टैंकी लग रही है, टैंकी तो वाटर टैंक लग रहा है ये तो। भारी बोल रहा है, आप भी आइए यहाँ, बी एन एस्ट्रोनॉट। मून रॉक्स, रॉक्स कम फ्रॉम अपोलो 17 साइट। ओके, मून ग्लोब, चलो उस साइड कल्पना चावला, ये एस्ट्रोनॉट। हाँ, ये
ये पूरी टीम है आंधी, पूरी टीम है। स्पेस फूड पैकेट्स, आइसक्रीम, 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 स्पेस फूड पैकेट्स है, स्पेस जाते जेड़े, मिंट चॉकलेट ऐदा जाते हैं स्पेस विच, वैनिला आइसक्रीम, स्पेस फूड स्टिक्स, मोज़ा जगह पड़ा हुआ है हमारा, ग्रेविटी, ग्रेविटी का मॉडल बना हुआ है, अद्भुत है यार। पिक मी अप इफ यू कैन, अब मैं इसको पकड़ने का, बॉल को पकड़ के दिखा दीजिए अगर किसी में दम है तो। जो फिल्म फिल्म के जो सीन बनाते हैं वो तो ऐसे करते हैं, बॉल नीचे पड़ी है, जो फिल्म में सीन बनाते हैं तो ऐसे करते ना, ये देखो मैंने पृथ्वी को पकड़ लिया, बॉल नीचे पड़ी है, यहां पे वर्चुअल दिखाया हुआ है इसका, दूर से नहीं होता। चलो दिखाते हैं आपको आगे, ब्लू प्लैनेट अर्थ, नाइस, नॉर्थ अमेरिका, आर्कटिक ओशन, इंडिया किधर है, कुछ रह तो नहीं गया इधर, पीकॉक, इंडियन पीकॉक, ऐसे अलग अलग टाइप्स के जानवर पड़े रखे हुए यहाँ पे, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसे लाइट जगह की ये चीज है, देख सकते हैं आप, ये पंजाब का बाज, अलग अलग स्टेट्स के वो दिखाए हुए हैं जानवर कौन कौन से जो फेमस हैं, गोवा का, चलो चलते हैं आगे दिखाते हैं। उससे बाहर आ गए हम एंड इधर राइट साइड पे ना एक जहाज पड़ा हुआ है, दिखाते हैं पढ़ने में तो क्या है चीज़ें, मतलब हेलीकॉप्टर M18 हेलीकॉप्टर, उसका इंजन अलग से उतार के रखा हुआ है, MiG-23 रूस में बना है, रूस में ये रशिया में बना हुआ, 52 फुट 1 इंच की इसकी लंबाई ऊंचाई, जैसे रूस तो 1980 में लिया था ये, पंक्चर लगने वाले हैं इसके, आओ आगे देखने गया है डायनासोर पार्क चलते हैं। अरे वॉच बनी हुई है एक सबसे 12 बजे हुए हैं, बट ये फिक्स है, दिखाया हुआ है पहले, मतलब सन के रिफ्लेक्शन के साथ चलती है ये वॉच, पढ़ सकते हैं आप।
पिरामिड टाइप बना हुआ है अंदर, पता नहीं क्या है, अंदर जाके देखते हैं क्या है। बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए राइड्स भी लगी हुई है यहाँ पे, फ्री में आप बच्चों राइड्स ले सकते हैं यहाँ पे, स्लाइड्स वगैरह बनी हुई है। व्हाट इज दैट? इट्स इलेक्ट्रिसिटी गैलरी। बाहर से तो पिरामिड टाइप बना हुआ है। यहाँ पे बादल गरज रहे हैं, यहाँ पे आप हाथ को ऐसे वेव करोगे, चल जाओ भाई, बादल गरज रहे हैं। जनरेटर चल पड़ा, जियो थर्मल गैस थर्मल गैस थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है, या मॉडल बना हुआ उसका भी, कोल थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक। लास्ट में सोलर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, रोड्स बनी हुई हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इसको इसको ऐसे प्लस करके रखेगा ना, अट्रैक्शन, ये दोनों प्लस माइनस में से जुड़ेंगे, ये देखो ना, ये इधर है, ये वाला प्लस किया मैग्नेट की तरह, हां ये प्लस किया ना, ये इधर देखो ये जुड़े हुए, इसको रख सकता हूं, ये भी साथ में जुड़ेंगे, नहीं ये दबा के रखा है तुझे, हां ठीक बोला गया, बटन यूज नहीं हो रहा, ये देखो ये बेटा आपस में टच नहीं करेंगे, दबा के रखूंगा और छोड़ दूंगा टच करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी लाइन का वो, जैसे हम ये बटन को टैप करते हैं तो ये जो ग्रेन्स पड़ी हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं एंड इससे दूर जाने जाती हैं, ये बीच में सेंटर बना हुआ चार्ज हो जाते हैं पॉजिटिवली। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का मॉडल बना हुआ, जैसे हम ये वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ना, यहाँ पर वेव करते हैं, ऊपर से पानी आएगा, ये घूम रहा है पंखा, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है। पेड़ मूव कर रहा है। जानिए डायनासोर की अद्भुत दुनिया को जानिए। इसकी आंखों में सेंसर लगे हैं, और लड़की देख के मतलब कोई आ रहा है तो बस बोलने लग पड़ता है। अभी हम लोग जाएंगे जुरासिक पार्क में, पीते खाते हुए छोटे बड़े बेशुमार डायनासोर्स हैं। बड़ी बहुत नहर है यार, अभी हम लोग आ गए हैं जुरासिक पार्क में, तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा, कहीं से भी डायनासोर निकल के आ सकता है। ये आप देख सकते हैं डायनासोर, ये बता रहे थे कि ये जो डायनासोर है ये शाकाहारी है। शाकाहारी हाँ ठीक है सर, ठीक है, वो तो जाने उधर, ये शाकाहारी डायनासोर है। कितना लेंथ बता रहे हो? 37 35 ओके सही है।
किधर आ रहा सफर यार? जुरासिक पार्क? नहीं नहीं इधर एंट्री नहीं है। जा सकते? बंद कीता होना, नहीं खुला ही है। चलो फिर फोटो खिंचाते हैं इधर जाकर थोड़ा सा। ध्यान से काटने वाले इधर इधर हाथ खाए ना। ये नहर का क्या काम है इसके बीच में समझ नहीं आई। ये नॉनवेज खाते हैं। डायनासोर, ये उड़ने वाला डायनासोर लग रहा है। ये उसके ऊपर पंख बने हो ना। और कैसे हो? ठीक हो? कुछ खाना खाना खाया? भेजता हूँ मैं किसी को। इसको खाना कम मिलता है ना ये थोड़ा। स्टेगोसोरस। क्या नाम इसका? स्टेगोसोरस। नाम अच्छा है यार आपका। ये भी अच्छा है डायनासोर। ये लड़ाई कर रही है, इधर लड़ाई हो रही है इनकी। आओ लड़ाई दिखाते हैं आपको, लड़ाई दिखाते हैं इनकी। इसकी पूंछ देखो कितनी लंबी है, हैं? और कैसे ठीक हो? अरे बाप रे, ये सबसे ऐसा ज्यादा ये ना खतरनाक है भाई। और ठीक हो? खाना वाना मिल गया कि नहीं? राजा सोरस। ये राजा है ना। ये राजा है। ये जो फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, ये सबसे ज्यादा डेंजरस दिखाते हैं। गॉडज़िला पिक्चर आई थी ना, गॉडज़िला पिक्चर में आए ना ये सबसे खतरनाक रहते हैं। इनको नॉन में बहुत पसंद है। देखना जरा, एक चित्र लेना इनके साथ। सही लग रहा है। चलो चलो खाना वाना खाओ, मस्ती करो। जैसे लगभग सभी डायनासोर्स के मॉडल बने हुए हैं। एंड जैसे गुआनोडोन, डोन है भाई ये। हाँ बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है ये। डाइनो पार्क नाम है ना इसका, डाइनो पार्क। वहां पे लिखा हुआ इसका नाम है यूप्लोसेफोलस। ये हिप्पो की तरह बना हुआ है, ये तो हिप्पो की तरह बना हुआ है। Let's go baby। अब आपको गुफा दिखाते हैं। गुफा डायनासोर के जमाने की गुफा। इधर आवाजें भी आती है डायनासोर की। हाँ डायनासोर की आवाजें भी आती है अंदर। ध्यान से मूव कर रहे हैं। साढ़े 4 किलो कह रहे हैं ये। ठीक है सर।
वीडियो में कुछ छोटा लग रहा होगा, वैसे डायनासोर के ये मॉडल बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। बिल्कुल रील की तरह घुमा रहा है, मतलब ना इनके अंदर ना जैसे इन्होंने ना कहीं पे सेंसर वगैरह लगाए हुए हैं, जैसे मतलब हम इसके पास जाते हैं तो ये मूव करते हैं। बढ़िया, मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक फील दी हुई है पूरी, जैसे पानी पी रहा है। मतलब मूव तो ये करेंगे ही, जब आवाजें निकालते हैं ना कोई इनके पास जाए तो आवाजें निकालते हैं। बढ़िया, बड़ी टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया हुआ है, सेंसर वगैरह लगाए हुए हैं। बंद है ये, लाइफ थ्रू द एजेस, वी आर अंडर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस। बंद है, गैलरी के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे भी मॉडल्स बने हुए डायनासोर के एंड पूरा एक्सप्लेन किया होगा। ये यहाँ पे लिखा होगा कैसे कैसे जब युग चेंज हुआ था कैसे 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 जीवन आगे विकसित हुआ, उसके बारे में आप देख सकते हैं। ओरिजिन ऑफ द सोलर सिस्टम, सूर्य प्राणी का जन्म, ओरिजिन ऑफ अर्ली, ओरिजिन ऑफ अर्ली एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जैसे ये दिखाया गया, देखो स्पीशीज कैसे चेंज हो रही हैं। ये देखे ना, इधर मैं बोलूँ, इधर ये पहले ये वाली स्पीशीज थी, उसके बाद इसमें बदली, ये मछली के रूप में बदली, उसके आगे देखिए यही मछली आगे देखे, ये थोड़े डायनासोर में बदली, तो धीरे धीरे डायनासोर अपना आगे बढ़ता गया, स्पीशीज आगे बढ़ती गई, ये बड़ी हो गई। देखो जैसे बंदर बंदर से इंसान बना था, ऐसे ऐसे ये स्पीशीज को इंक्रीज हुई है, ये डायनासोर का युग आ गया। एंड ये लिखा हुआ है यहाँ पे, डायनासोर अटेंड गिगेंटिक साइज, व्हाट इज दैट। ये देखो ऊपर बंदर, ये आगे जाके इंसान बनेगा, ये दिखाया हुआ स्पीशीज जैसे बंदर से कैसे इंसान बना था। एंड ये आजकल के जो है जानवर जैसे हिप्पो एलिफेंट इनका दिखाया हुआ है, इनके आगे जाके जैसे ये बंदर था, ये आगे जाके ये इंसान आ गए। ये जो ये देख सकते हैं आप, पहले ऐसे लग रहा था आदमी माना, देखो डियर को बांध के लेके जा रहे हैं, शिकार किया उसका भी, बढ़िया। फिर भी सर ये गैलरी बनाई हुई है, दिखाया हुआ स्पीशीज कैसे कैसे आगे गई थी, एंड बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे बच्चों को लेके आ सकते हैं आप, बच्चे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बढ़िया। तो चलते हैं बाहर, जो डायनासोर पार्क है उसके सामने ही ये गार्डन वगैरह बना हुआ है, जैसे वहाँ पर लिखा है शोक वाटिका, इधर आप बैठ के चिल वगैरह कर सकते हैं, पिकनिक बना सकते हैं जैसे भी, बट बाहर का कुछ अलाउड नहीं है खाने का लेके आना। एंड अंदर एंट्री में कंटिन्यू बनी हुई, 20 रुपये आपको वाउचर मिलेगा तो एंट्री टिकट के साथ, उसमें और पैसे डाल के आप कुछ भी खाने पीने का ले सकते हैं। ज़्यादा वक्त दिखाएंगे आपको कंटीन में जाकर। शोक वाटिका बहुत बड़ी जगह बनाया हुआ है, बढ़िया। यहाँ पे गार्डन के साथ ये टैंक पड़ा हुआ है, गोला है अंदर, जूम करने का देख अंदर की क्या है, बट्टे पे पत्ते पे बट्टे पे इसके ऊपर चढ़ते हैं, चढ़ सकते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर चढ़ के दिखाते हैं आपको, अंदर जाके दिखाते हैं। बाहर से बाहर कुंडी ला देना, चुप अंदर ले लो, बॉर्डर फिल्म सी आया कोई ऊपर यार, या मेरे को मोबाइल दे, ऑन है ऑफ कितने ऑन है, चार्ज रखो यार, तो नहीं। अंदर चली यहाँ पे,
पानी की बोतल सैनिटाइजर ने साफ नहीं किया। बहुत बड़ा टैंक है, उधर से लग रहा है छोटा सा है, ऊपर तक लग रहा है इतना बड़ा टैंक। जस्ट वेट, ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाने के लिए टैंक के अंदर आ गए हम। स्पेस ही नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे है मतलब अंदर इधर से गोला डालता है बांधने के लिए, गंदा बहुत डाला हुआ है बट अंदर। अभी हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी भी पड़ी हुई है पंजाब गवर्नमेंट की। चलो चलते हैं, वो कंटीन में जाकर दिखाते हैं कैसे है, क्या सिस्टम है कंटीन का, आपको दिखाते हैं जाकर। एंड आप जो कूपन मिला वो भी यूज़ कर सकते हैं कंटीन में जाकर, वो सामने कंटीन है जहाँ से टिकट्स मिलती हैं, उसके साथ रेड साइड भी कंटीन है। लेट्स गो। यहाँ पे टिकट्स के प्राइस वैसे हैं जैसे एक 18+ के लिए 180 की टिकट है, एंड जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए 125 की टिकट है, एंड फैमिली का पैक है दो बड़े दो छोटे 18-, एंड उसकी 550 का पैक है। आ सकते हैं आप, बढ़िया वैसे ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए तो बढ़िया, मतलब उनको सीखने के लिए वो चीज़ें मिलती हैं। तो चलते हैं जहाँ पे हमको स्लिप मिल चुकी है, हमने कराए जैसे फ्राइज और एक ये कोक ली है, बढ़िया है। 40 तुम्हारे वही वाले अकाउंट हो गए थे ओपन वाले, एंड 60 और दिए हैं, बढ़िया है। ये मेन्यू है आप देख सकते हैं, चलिए ज़्यादा आ गए हैं, ज़्यादा आ गए थोड़े फ्रेंच फ्राइज। तो ये 60 की आई है एंड 40 की है, ये ना हमको इसमें से कुछ बच जाएगा हम बांट देंगे, बांटने पड़ेंगे हमको, थोड़े ज़्यादा आ गए, पता हो तो हाफ प्लेट करवा देते बट पहली बार आए ना पता नहीं था। चलो कोई ना, आप ध्यान रखना। बट तो बस हमने इधर से बाहर आ गए एंड ये व्लॉग यहीं तक था, बने रहिए चैनल के साथ, बस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना एंड कमेंट्स में बता देना और कहाँ जा सकते हैं हम, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको हम लोग पूरा वर्ल्ड घुमाएंगे, बस आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, पूरा वर्ल्ड आपको घुमाएंगे। ऐसे आपको भी अगर लगता है कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी है, उसका वीडियो बनना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। बस ऐसे ही सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही नई नई वीडियो आते रहेंगे आपके लिए। बस ठीक है, बाय।